जय हिंद दोस्तों, आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि गाड़ी के ड्रम ब्रेक आखिर कैसे काम करते हैं। ड्रम ब्रेक मेनली आपके पीछे के व्हील में दिया जाता है और हम इसके सारे पार्ट्स को डिटेल में देखेंगे। ये ब्रेक ड्रम है जो ब्रेक शू के कॉन्टेक्ट में आता है और ये ड्रम व्हील से जुड़ा हुआ होता है और ये ड्रम व्हील हब में टाइट किया हुआ होता है, जिससे व्हील और ड्रम फ्रीली घूम पाते हैं बिना किसी रोक टोक के। और ये व्हील हब बेयरिंग के हेल्प से जुड़ा हुआ होता है। पीछे वाले पार्ट को बैक प्लेट बोलते हैं, जो कि सारे ब्रेक पार्ट्स को साथ में जोड़कर रखता है, और ये बैक प्लेट आपके व्हील हब कैरियर या सस्पेंशन से डायरेक्टली जुड़ा होता है। ब्रेक शू का एक सेट दोनों साइड पे होता है। जब गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं तब ये ब्रेक शू ड्रम के अंदर वाले सतह पर चिपक जाते हैं। ब्रेक शू में एक लाइनर मटेरियल लगा होता है जो कि फ्रिक्शन या घर्षण पैदा करने में मदद करता है, जिससे गाड़ी का व्हील जल्दी स्लो डाउन होता है। होल्ड डाउन स्प्रिंग, ये ब्रेक शू को बैक प्लेट से जोड़ के रखता है। शू रिटेनिंग स्प्रिंग, जो कि ब्रेक शू को अपने नॉर्मल पोजीशन पे रोक के रखता है। व्हील सिलेंडर, ये एक हाइड्रोलिक पार्ट होता है जो कि ब्रेक शू को बाहर की ओर ढकेलने का काम करता है। आज के ड्रम ब्रेक में ऑटोमेटिक ब्रेक शू एडजस्टर होता है। जैसे जैसे ब्रेक शू घिसते हैं वैसे वैसे ब्रेक शू ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है खुद ही। इसमें ब्रेक एडजस्टर, एडजस्टर लीवर और एडजस्टर स्प्रिंग होता है। जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तब व्हील सिलेंडर में ब्रेक ऑयल आता है काफी प्रेशर से। इस व्हील सिलेंडर के पीछे एक ब्रेक ऑयल का इनलेट पोर्ट होता है, जहां से ब्रेक ऑयल सिलेंडर के अंदर आता है, और एक ब्लीडर वाल्व होता है जिससे हवा या खराब ऑयल को बाहर निकाल सकते हैं। व्हील सिलेंडर में सिलेंडर बॉडी, डस्ट बूट, पिस्टन, पिस्टन कप, कप एक्सपैंडर और एक स्प्रिंग होता है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तब ब्रेक ऑयल अंदर के पिस्टन को ढकेलता है, जिससे ब्रेक शू भी मूव करता है। जब ऐसा होता है तब ब्रेक शू के लाइनर ड्रम से चिपक जाते हैं, जिससे घर्षण पैदा होता है और ड्रम और व्हील का स्पीड कम होता है और गाड़ी रुक जाती है। ब्रेक एडजस्टर ये सुनिश्चित करता है कि ब्रेक शू हमेशा ड्रम के बिल्कुल पास रहे। तो जब लाइनर कुछ घिस जाते हैं तो लीवर का स्प्रिंग टेंशन में आ जाता है, जिससे लीवर स्क्रू के दांतों को घुमा देता है और ब्रेक को थोड़ा बाहर की ओर ढकेल देता है, तो जिससे ब्रेक हर वक्त सही टाइम और एक्यूरेसी के साथ पे लगते हैं। तो इस तरह से एक ड्रम ब्रेक काम करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको ऑटोमोटिव रिपेयर, मेंटेनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में आ रहा है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।